आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज धनतेरस के दिन ग्वालियर जिले के सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने डबरा नगर पालिका क्षेत्र के 5 करोड़ के करीब विकास कार्य का भूमि पूजन और 10 नई कचरा गाड़ियों का भूमि पूजन कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विवेक मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, CMO प्रदीप भदौरिया सहित सभी पार्षद उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि डबरा के विकास कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि हमारे प्रदेश और देश में सरकार है। वहीं डबरा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कहा कि जल्दी इसके लिए बाईपास रोड की व्यवस्था की जाएगी। कई वर्षों से भूमियों के नामांतरण पर लगी रोक पर सांसद ने कहा कि जिन लोगों के आवेदन पहले प्राप्त हो चुके हैं उनके नामांतरण आज प्रदान किया जा रहा है और अब नामांतरण कार्य चालू रहेंगे। इस दौरान 20 लोगों को नामांतरण पत्र भी प्रदान किए गए और रेलवे अंडर ब्रिज के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर जल्दी कोई समाधान निकाला जाएगा। भाई जब हर बार डबरा में विकास के वादे होते हैं, इस बार फिर भूमि पूजन, गाड़ियों की सौगात, करोड़ों की सौगात डबरा को मिली है, क्या माना जाए इस बार वाकई विकास शहर में होगा? देखिए, मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि हर शहर को कचरा मुक्त बनाना है, हर घर का कचरा एक स्टोर करके ऐसी गाड़ियों के माध्यम से बाहर डालने का काम होना चाहिए। आज डबरा नगर पालिका ने ऐतिहासिक काम किया है कि 10 गाड़ी डबरा नगर के लिए तैयार की है और 10 गाड़ी से कचरा का प्रबंधन होगा, घरों से कचरा उठाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के संकल्प को भी डबरा नगर पालिका पूरा करेगी और डबरा नगर पालिका के लिए विकास कार्यों के लिए और 10 गाड़ी जो कचरा प्रबंधन के लिए जो यहाँ की है चाप प्रारंभ और अन्य कार्य के लिए भी और नामांतरण के लिए भी निश्चित रूप से मैं डबरा नगर पालिका को सभी को बधाई देना चाहूँगा और जनता जनार्दन को भी ये शुभकामनाएं बधाई के साथ देना चाहूँगा कि डबरा नगर पालिका ने जनता की चिंता की है, इसलिए ये विकास कार्य प्रारंभ हो। कितने करोड़ का भूमि पूजन आज? 5 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन डबरा नगर पालिका की किया है और 10 गाड़ी कचरा प्रबंधन की आज प्रारंभ की है और 200 लोगों के जो बरसों पुरानी मांग थी, परेशानी थी नामांतरण की, 200 लोगों के नामांतरण किए, इसलिए मैं इस अवसर पर मैं सभी को बधाई दूंगा। और आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, धनतेरस का दिन है। आज प्रधानमंत्री जी ने 51,000 सेवाओं को रोजगार के प्रमाण पत्र जारी किए, नियुक्ति पत्र जारी किए, तो आज का दिन सौगातों का दिन है और भारतीय संस्कृति के अनुसार ये दीपावली एक ऐसा त्यौहार है, चाहे धनतेरस का त्यौहार हो, चाहे भाई दूज का त्यौहार हो, निश्चित रूप से हम सबके लिए ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस अवसर पर मैं सभी को दीपावली की, भाई दूज की और आज धनतेरस की भी कामनाएं देना चाहूँगा। डबल इंजन की सरकार